14, exercise 2.6, math 10 science. First question, use synthetic division to find the quotient and the remainder. When आपको values ये दी हुई होंगी, ये दी हुई है वैल्यू, दूसरे पार्ट में ये दी हुई है. पहले पार्ट को मैं सॉल्व करने लगा हूँ. पहले पार्ट में पहले है x स्क्वायर, x और कांस्टेंट. ये मैंने x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा, x का कोफिशिएंट लिखा और एंड वाली सारी वैल्यू. अब ये जो x प्लस वन है इसको आपने जीरो के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है. ये आ गई माइनस वन. माइनस वन आपने यहाँ पे बाहर लिख देनी है. फर्स्ट वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाती है, वन है तो वन ही आ जाए. इसको इसके साथ जरब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वन मल्टीप्लाई माइनस वन, माइनस वन आंसर आएगा. सेवन में से माइनस वन निकल जाएगा, बाकी सिक्स आ जाएगा. सिक्स को फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सिक्स आ गया. दोनों को ऐड कर दिया तो माइनस सेवन. एंड में बचने वाली वैल्यू आपकी रिमाइंडर होती है, बाकी सारी जितनी भी होंगी वो कोशेंट होंगी. तो कोशेंट हमने लिखा एक्स प्लस सिक्स. एक्स कहाँ से आया? ये था एक्स स्क्वायर. एक वैल्यू इसमें से एक पावर डिक्रीज हो जाएगी, यानी हम इसके साथ एक्स स्क्वायर के बाद पहले हम लिखेंगे एक्स, तो x के साथ 1 लिखा जाएगा. 1 की हमें x के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए x आ जाएगा प्लस 6. ये हमारा क्वेश्चन आ गया और एंड वाली बचने वाली रिमाइंडर आ गई. इसी तरह आगे चलें, ये आपको दूसरा पार्ट सामने लिखा हुआ है 4. ये 0 कहां से आता है? ये था क्यूब. इसके पावर आनी है, इसके बाद वाली पावर आने वाली है वो स्क्वायर आने वाली है. स्क्वेयर नहीं दिया हुआ, स्क्वेयर की जगह हमने जीरो लगा दिया, फिर एक्स की वैल्यू आ गई और एंड वाली रिमाइंडर हमने सारी इधर 15 लिख दी. इसको मैंने सॉल्व किया माइनस थ्री. माइनस थ्री से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वैसे की वैसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 12. ये दोनों ऐड हो गए, इतने आ गए. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36. ये दोनों ऐड होंगे तो 31 बच जाएगा. इसको मैंने फिर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया, माइनस 93 आ गया. ये दोनों साल हो गए माइनस 78, यानी ये रिमाइंडर आ गया. और यहाँ पे उसी तरह पिछले सवाल की तरह ये स्केयर, ये क्यूब है तो आपने स्केयर से शुरू करना है, यानी इसके साथ स्केयर आएगा 4x स्केयर माइनस 12x प्लस 31 और ये आपका रिमाइंडर. इस तरह आपका सारा पार्ट ये जो है फर्स्ट वाला वो साल हो जाएगा.